देव के दिल में तो यही चल रहा है कि जल्दी से सोनाक्षी को देखूँ, वो कैसी लग रही है, और एक्साइटेड है, उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है। सोनाक्षी जैसे मैंने प्रीवियस इंटरव्यू में भी बताया कि वो बहुत ही खुश है कि उसका जो वो सपना देखते आ रही है वो अब पूरा होने वाला है, लाइक इट्स गोइंग टू बी अ रियलिटी नाउ। ऑफ कोर्स खूबसूरत लग रही है, खूबसूरत लगती है वो हमेशा, और दुल्हन के रूप में तो हर लड़की बहुत खूबसूरत लगती है, तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है। मेकअप से ज़्यादा हैवी अटायर है मेरा, जो इतना सारा ज्वेलरी मैंने पहना है, और बनारसी साड़ी है जो ट्रेडिशनल बंगाली लुक के हिसाब से जाता है, तो वही लुक है। खटास नहीं, उन्होंने सोनाक्षी को तो अपना लिया है, जैसा देव को लगता है कि माँ ने सोनाक्षी को अपना लिया है, लेकिन उनकी कुछ उनकी भी लिमिटेशंस हैं, जो चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं लाइफ में, उनके बिलीव्स हैं वो उन्हें तोड़ना नहीं चाहती हैं, तो शी विल स्टिक टू दैट, एंड देव और सोनाक्षी दोनों उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सोनाक्षी जो कुछ भी हो रहा है, शी इज ट्राइंग हर लेवल बेस्ट कि वो सारी चीज़ें को नॉर्मल, मतलब शी गेट्स एवरीथिंग टू नॉर्मल, और यू नो अच्छी बहू बने, सो शी विल हैंडल एवरीथिंग प्रॉपरली, और ईश्वरी के दिल में भी जगह बना दी। हमसे ज़्यादा ये प्रोडक्शन के लोगों के लिए मुश्किल है, इतने लोगों को एक साथ मैनेज करना, इतने बड़े वेन्यू पे इतने सारे लोगों को साथ एक साथ डील करना, हमसे ज़्यादा उनके लिए मुश्किल है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए चीज़ें आसान हों। अप्रिशिएटिंग द वर्क, क्या और ऑल दैट वी कैन से इज अ वेरी बिग थैंक यू, दैट्स ऑल दैट वी कैन से। एक्चुअली जो हम बोले वो भी कम होगा, इट्स बिकॉज ऑफ देम ओनली द शो इज डूइंग वेल, या दे हैव अप्रिशिएटेड द शो, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो, लाइकिंग द शो, अप्रिशिएटिंग आवर कैरेक्टर्स, थैंक यू सो मच।